कार्यवाही शुरू करो। माननीय श्रीमान महाचतुर महाबुद्धिमान सबसे होशियार न्यायाधीश महोदय पधार रहे। अबे पागल हो क्या एकदम, पहले बोलना था ना ये सब, अब तो मैं पधार चुका हूँ। मिठल्ले कहीं के कोई तो काम टाइम से किया कर। माफ करना साहब, लुगाई की याद आ गई थी तो उसके ख्यालों में डूब गया था। हाँ वकील साहब, कार्रवाई आगे बढ़ाओ। जज साहब, मैं इस आदमी का वकील हूँ और इस औरत का कहना है कि इस आदमी ने इससे शादी की थी और अब ये इसे अपनी बीबी मानने से इनकार कर रहा है ताकि इसको संपत्ति में हिस्सा ना देना पड़े। और जज साहब, मैं इसकी बीबी का केस देख रही हूँ। और हम आपको देख रहे हैं मोटरमा, जरूर ये केस आप ही जीतेंगी। क्या तुम इस औरत को जानते हो? हाँ, ये मेरी मुँह बोली बीबी है। जज साहब, सुना आपने कितना गिरा हुआ ये नीच इंसान, मुँह बोली बीबी भी होती है क्या? हाँ, आपके बात में दम तो है वकील साहिबा। जब मुंह बोली बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, तो बीबी क्यों नहीं हो सकती मिलाश? ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ वकील साहब। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे शादी की है, प्रॉपर्टी ना देना पड़े इसलिए नाटक कर रहा है। हुजूर, इसकी बातें सुनकर मुझे अपनी लुगाई की याद आ गई है। चुप हो जाइए, मैं आपके आंसुओं की कीमत समझ सकता हूँ मोटरमा। जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ शादी जैसा कोई चीज की ही नहीं, मेरी शादी तो पहले से ही हो चुकी है, मेरी प्रॉपर्टी पर मेरी बीबी का ही अधिकार है। जज साहब, अकल आ जाएगी जब मिलेगी इसको सजा, मुँह बोली बीबी बोल कर ले गया सारा मजा। वाह वकील साहिबा वाह, मुँह बोली बीबी, क्या कटीला अंदाज है आपका। अरे वकील, ऐसे तो मैं केस हार जाऊंगा, तू भी कोई पॉइंट घुमा। योर ऑनर। ये वानर किसको बोला बे, वकील की पूछ। ओह सॉरी योर ऑनर, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास कोई ठोस सबूत है कि मेरे मुवक्किल ने इस औरत से शादी की है? एक नहीं, हजारों सबूत है, मैं सबूतों की नदियाँ बहा सकती हूँ यही अदालत में खड़े खड़े। हमें आप पे पूर्ण विश्वास है बेगम साहिबा, सॉरी वकील साहिबा, नदियाँ बहाने की जरूरत नहीं है, एक दो सबूत दे दीजिए, काम चल जाएगा। जज साहब, मैं अभी अदालत में सच साबित कर देती हूँ। आप सच साबित कीजिए वकील साहिबा, फिर इस नरमुंडी को फांसी पर चढ़ाना मेरा काम है। वकील साहिबा का ये कटीला अंदाज देखकर हमको अपनी लुगाई की याद आ गई। जब अब की बार बीच में अगर खुजाई तो तुझे और तेरी लुगाई दोनों को फांसी दे दूंगा। जज साहब, जिस हलवाई ने इनकी शादी करवाई थी, मैं उसे अदालत में बुलाना चाहती हूँ। जज साहब, ये तो पॉइंट ही गलत है, हलवाई तो शादी करवाता ही नहीं है, बल्कि हलवाई का काम तो शादी में खाना पकाना होता है। इस वकील को नजरअंदाज करते हुए मैं तुम्हें हलवाई को कटघरे में बुलाने की इजाज़त देता हूँ। जज साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वकील, तुझे फांसी दे दूंगा मैं, फिर तेरी आत्मा यहीं भटकती नजर आएगी। लेकिन जज साहब, शादी कराने तो पंडित का काम होता है। जज साहब, पंडित केवल कुल से ही नहीं होते हैं, वो ज्ञानी विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता है, वही पंडित है, और उस हलवाई में ये सारे गुण हैं। वाह वकील साहिबा वाह, इस पॉइंट ने तो हमें आपका दीवाना कर दिया। जज साहब आप जी, वो मेरा मतलब है कि आपकी वकीली गिरी ने हमें दीवाना कर दिया। जज साहब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस वकीलन का पक्ष कर रहे हैं। तेरे दिमाग में कुछ कमी होगी इसीलिए लग रहा है। जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे मुझसे इस औरत के आंसू देखे नहीं जा रहे, जल्दी हलवाई को अदालत में पेश करो। ओह नो साहब, आप तो जज हो, आप क्यों रो रहे हो? जज हूँ तो मुझे रोने का अधिकार नहीं है लाल लंगोर, तेरा जो काम है वो कर। कल्लू हलवाई अदालत में हाजिर। अबे क्यों दहाड़े मार रहा है, वो पहले ही आ चुका है, जब कहा गया तब से तो खोया हुआ है तू। लुगाइयों के ख्यालों में। लाइए भाई लाइए, थैंक यू जी थैंक यू। ये तोहफा नहीं दे रही हूँ मैं आपको। ओ जी सॉरी, रास्ते में अरस का हाफ पी लिया था इसलिए दिमाग हैंग हो रहा है मेरा। हलवाई भाई साहब, पीना गलत बात है, चलो छोड़ो, अब इस पर हाथ रख कर कसम खाइए। ओ जी मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं एक पैक से ज्यादा नहीं पीऊंगा। अरे ये नहीं, आप कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है, पीने के बाद तो मेरे मुंह से सच ही निकलता है। इसे देखकर तो मुझे अपनी लुगाई की याद आ गई। तेरी लुगाई भी पीटी है क्या? नहीं सर। क्या तेरी लुगाई बीट निकाली है? नहीं जज साहब। तो क्या तेरी लुगाई इसके जितनी डरावनी है? नहीं न्याय मूर्ति नहीं।
तो घुसल मुंडी के तुझे इसमें ऐसा क्या नजर आया जिसे देखकर लुगाई की याद आ गई? हलवाई जी, आपने मेरे मुवक्किल की शादी जिसके साथ करवाई, ये वही आदमी है ना? हाँ जी, शकल से तो वही लग रहा है, पर मैंने पी रखी थी, पक्का नहीं कर सकता। वकील साहिबा, अगर ये गवाह काम नहीं कर रहा तो मैं आपको दूसरा गवाह भी पेश करने की अनुमति देता हूँ। हलवाई जी, जरा एक बार ध्यान से देखिए इसकी शक्ल को। हाँ जी हाँ जी, याद आया, इसी की शादी में मैंने बैंड बजाया था। जज साहब, ये अदालत के साथ क्या मजाक हो रहा है? हलवाई तो शादी में खाना बनाता है। कोई कहता है कि हलवाई ने शादी करवाई है और वो कहता है उसने बैंड बजाया है। हाँ तो जब एक आदमी चार काम संभाल रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है भाई? वकील की पुत्र। जज साहब, वकील साहिबा केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही है। वकील साहिबा का वकालत का कोई तोड़ नहीं, और वो केस ही कैसा जिसमें कोई मोड़ नहीं। हलवाई जी, जरा आप ठीक से याद करिए, आपने इनकी शादी करवाई थी, मंत्र पढ़े थे आपने? हाँ जी हाँ जी, याद आया, मैं इसको जानता हूँ, इसकी शादी मैंने करवाई थी। जज साहब, सुना आपने, हलवाई जी ने साबित कर दिया कि यही वो आदमी है जिससे इस औरत की शादी हुई थी। अब आप फैसला सुना दीजिए। वाह मोटरमा वाह, क्या केस लड़ा है आपने, तो अदालत को हिलाकर रख दिया। जज साहब, अब मेरा इंसाफ कीजिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। एक मिनट जज साहब, मैं इस हलवाई से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, वकील की टांग अब कोई फायदा नहीं है। जज साहब, ऐसा समझ लीजिए कि ये वकील साहिबा की फरमाइश है। इजाजत है, पूछो सवाल पूछो। हलवाई जी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सच बोल रहा हूँ, अब तो मेरी दारू भी उतर गई है। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि इनकी शादी एक साल पहले हो चुकी है। अरे हाँ, वो शादी मैंने ही तो करवाई थी। फिर तो असली गुनहगार आप हैं, सजा आपको मिलनी चाहिए, मैं आप पर केस करूँगा। अरे मैंने क्या किया है? एक शादीशुदा आदमी की दोबारा शादी करने का आरोप किया है, एक औरत का घर बिगाड़ा है, अपनी पहली बीबी का दिल तोड़ा है। जज आपको फांसी देंगे। मैं क्यों उसे फांसी देने लगाऊं? जज साहब, आप समझ लीजिए कि ये वकील साहिबा की फरमाइश है। मैं अभी इसी वक्त इसे फांसी देने का ऑर्डर देता हूँ। ससुर हलवाई होकर शादी कराता है? जी सर जी, माफ कर दीजिए, मैंने किसी की शादी नहीं कराई, मुझे तो वकील साहिबा ने जबरदस्ती झूठ बुलवाया है। इन्होंने मुझे आरएस की बोतल देने का वादा किया था, मैं जा रहा हूँ। देखा साहब, केस वकील साहिबा की तरह साफ हो गया। oh, no. इसने तो केस ही पलट दिया। इसका ये सीन देखकर मुझे अपनी लगाई की याद आ गई। अरे तू हर बात में अपनी जबरदस्ती उंगली करता है, डरा पटाता हूँ तुझे।